हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नोवा 17 किल्स डोमिनेशन इन पीएमजी स्क्रीम्स। आई नो ये स्क्रीम्स है उतना ज्यादा सीरियसली लोग नहीं खेलते हैं, बट एटलीस्ट हमें पीओवी देखने को मिल रहा है, वो भी 17 किल्स वाला। और मैं आपको एक बात बता दूं जिससे आप थोड़ी सी शॉक हो जाओगे, लास्ट तक आते आते ये दो ही बंदे बचे थे और दोनों बंदों ने, एक बंदा था अपना ऑर्डर और एक बंदा था अपना पैराबॉय, दोनों बंदों ने मिलकर लास्ट में थोड़े बहुत किल्स निकाले और कैसे सर्वाइव करते हैं, चलो देखते हैं। ये वीडियो डालिए इजेड जोन गेमिंग ने, तो बिग शाउट टू यू ब्रो, और वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके, ड्रॉप लूट जो थी वो हमको दिखाई नहीं है बिकॉज इन्होंने वीडियो थोड़ी कट कर दी है ताकि ऑडियंस को भी बोर ना हो, और उसके बाद ये लोग गैरेज पे आ जाते हैं। गैरेज पे आती पढ़ने लगी गोलियां। ओ एक नॉक दिया क्या? नहीं दिया, नहीं दे पाया भाई। ऑर्डर का पीओवी है, ऑर्डर बच भी पाएगा क्या? बच गया, बच गया, बच गया। पीछे से पूरी टीम आ गई। नाइस, पूरी टीम आ गई, पूरी टीम को भी। ओ भाई सीन हो गया। तो अच्छा मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से क्या हुआ कि जब ऑर्डर आया यहाँ पे गाड़ी लेके स्काउट करने के लिए, लूट करने के लिए, तो बाकी जो दूसरी टीम क्लोज थी, जो हिल वगैरह होल्ड करी थी, जो बग्गी पे आए दो लोग, उन्होंने देख लिया कि एक ही बंदा है, डायरेक्टली पुश कर दिया। उसके बाद पूरी टीम आ गई एंड देन पूरी टीम को कहीं और से भी पड़ रही है। वो इन्हीं के दो बंदे थे जो बाकी मतलब टीममेट होंगे, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग पुश भी कर रहे हैं अभी इन पे। अब काइंड ऑफ पिन सिचुएशन है, बट यहाँ पे अगर फाइट नहीं निकाल पाए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। एक नॉक किया, ओ भाई 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 भाई, नॉक, नाइस नॉक, एक और नॉक। ऑर्डर ने तो दो पेल दी भाई, नाइस वन भाई। यहाँ पे तो शॉर्ट कर ली फाइट। वैसे काइंड ऑफ पिन सिचुएशन नहीं थी, बिकॉज मेरे को लग रहा है ना कि स्क्रीम को लोग अलग तरीके से खेलते हैं। लग रहा नहीं है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि स्क्रीम में लोग इतना ज्यादा मतलब माइंडसेट ही अलग होता है कि उतना सीरियसली नहीं लेना है। लेट्स ट्राई टू क्लियर सम फाइट्स और प्रैक्टिस करते हैं फाइट्स की बेसिकली। तो फिलहाल तो इन लोगों ने फाइट निकाल लिया, पैराबॉय नॉक हो गया था, रेव मिल गया। तो अब ये लोग स्मोक मोक करके हिल्स के ऊपर जा रहे हैं। आई गेस इनको पता है कि हिल खाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनको पता होना चाहिए कि हिल खाली है। ओ भाई ओपन में रुक के मार रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हो सकती है वैसे तो बहुत। ओ ऑर्डर को पड़ी लेफ्ट वाले रीच से, मेरे को लगा ही था। वैसे एक चीज तुम्हें बताओ ना, अभी एज सच कोई स्ट्रेटेजी होती है ना जो कि भाई हम इस तरह से खेलेंगे या उस तरह से खेलेंगे या एज टू एज खेलेंगे या सेंटर खेलेंगे, वो मेरे को नहीं लगता कि वो चीजें हमें स्क्रीम में देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। स्क्रीम में मेरे को लग रहा है जहां भी बंदे दिख रहे हैं ये उनसे फाइट ले रहे हैं, और इस जोन में तुम लोग देख सकते हो 50 बंदे अलाइव है। आई डोंट नो लॉबी कितने की थी, मैंने ध्यान नहीं दिया लैंड करते टाइम लॉबी कितने की थी, बट 50 बंदे अलाइव है, तो मेरे को लग रहा है जल्दी खाली हो रही है लॉबी थोड़ी, यहाँ पे ज्यादा अर्ली फाइट्स हो रही है इस वजह से। ग्लोबल में हमें आई नो फाइट्स ज्यादा देखने को मिलती है, बट इतनी अर्ली फाइट्स देखने को नहीं मिलती है। देखो किलफीड भी भाई चमक रही है, ये बहुत ही ज्यादा अर्ली फाइट्स हो गई और बंदे काफी जल्दी कम हो गए, बिकॉज आई नो कि स्क्रीम है, थोड़ा अलग तरीके से खेल रहे होंगे आई गेस। तो भाई ऑर्डर को रिवाइव मिल गया है, जोन शिफ्ट हो चुका है और जोन फॉर्चुनेटली इन्हीं पे आ गया है, बट ऑर्डर हील कर ही लेगा। हाँ कर लेगा, मॉन्स्टर ट्रक लगा हुआ है आगे। ओके लेट्स गो, अब ये लोग हिल होल्ड करेंगे आई गेस, बट ऑर्डर ने बीच में रुक के ब्लंडर कर दिया। ऑर्डर की वजह से है ना, मेरे को लग रहा है इस टाइम पे टीम थोड़ी सी स्लो हो गई, वरना ऑर्डर वहीं पे जाने वाला था जो ये रिज पे जा रहे हैं ना। अभी इस रिज पे किसी ना किसी टीम की तो फाइट खत्म हुई है अभी। ओ भाई ये अभी भी यहीं लेटे हैं, देखो आई डोंट नो ये रिज वाले बंदे ने इनको मारा क्यों नहीं। अच्छा ऊपर से कवर आ रहा था, ओके ये रिज वाला बंदा अगर इस बग्गी के पास आके मारता तो ऊपर आप देख सकते हो पैराबॉय हिल पे बैठा हुआ है और वो पूरा प्रॉपर कवर देता, इसलिए रिज वाला बंदा पीछे जाके छुप गया था आई गेस। पैराबॉय ने एक गाड़ी फोड़ दिया आई गेस। भाई वो बंदा अपना अलग ही खेल रहा है, उसको अलग ही किल से मतलब है स्क्रीम्स में। ओके ये जोन में थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं और आई गेस अभी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये उस पोजीशन पे जा रहे हैं जहां पे ऑर्डर को लग रहा है कि यहाँ पे जोन श्रिंक हो सकता है। देखो आई गेस और अभी पोटैटो हिल की तरफ जा रहे हैं आई गेस। आई डोंट नो किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, बट मेरे को यही लग रहा है कि ऑर्डर को लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे जोन बन सकता है। लेट्स सी ऑर्डर जहाँ लेके जाता है वहाँ पे जोन बनता है कि नहीं बनता है।
या फिर ये फाइट्स की तरफ जा रहे हैं, ये इधर उधर घूम रहे हैं और जहां पे भी फाइट मिलेगी वो ले रहे हैं। और मेरे को लग रहा है ये फाइट्स की तरफ ही जा रहे हैं, अभी जोन वोन तो प्रायोरिटी है ही नहीं, क्योंकि जोन इनको मिलते हैं बड़े बड़े खेलने के लिए बाहर ग्लोबल में। हमारे वहाँ पे यहाँ पे भी वो 27 तारीख को मैटा आने वाला था, बट आई डोंट नो उसका पोस्टपोन किया है क्या किया है, बट वो नहीं आया है। मेरे को लग रहा है वो BGIS में हमें देखने को मिल सकता है ऑफिशियल ऑफिशियल लॉबी में, बट लेट्स सी, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ फाइट्स के लिए जा रहे हैं। ओ सामने वाले बंदे ने क्या टर्न मारा है भाई, बच गया वो। अब उस पर पुश करने के लिए बोला है क्लियरली कि लो किया है, इधर ही है ना वो लोग, मार्क किया। ओके वो हिल पे चला गया गाइस, या फिर हिल पे, अबे ये तो डायरेक्ट जा रहे हैं बे। अब एक ओपनिंग निकाल, अरे भाई ये प्रॉपर फाइट्स के लिए जा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है जोन वोन की कोई टेंशन है इनको, प्रॉपर फाइट्स के लिए जा रहे हैं। ओ भाई नाइस नॉक, बट यार राइट में जो हिल है वहां से भी पड़ सकती है अभी इनको, थोड़ा रिस्की है ये जगह पता है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी तो होती है। वो ये गलत नीड कर दिया, तो इसीलिए अभी कोई किलफी रीड करेगा तो कोई ना कोई आ सकता है यहाँ पे। वेयर हाउस के अंदर कोई ओपनिंग नहीं निकल रही है, तो शायद ये लोग पीछे से घुमा के डायरेक्ट स्लैम करेंगे या निकलेंगे, आई डोंट नो। बट अगर इतनी दूर ये घूम फिर के फाइट्स के लिए आए हैं तो फिर फाइट ही लेंगे, निकलेंगे तो क्यों ही। देखो उस वाले हिल की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे बंदा आ सकता है कोई भी। अब ये तीनों साथ में चिपक के खेल रहे, देखो एक बंदा ऊपर ही बैठा है 0 फुट, ताकि सामने वाला गलती करे और बाहर निकले। ऑर्डर तो फुट भी नहीं दे रहा, देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखने को मिली है फाइट्स के टाइम पे, तुम लोग देख रहे हो। अब वो धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे हैं, नेड कर रहे हैं, उनको बंदा स्पॉट हो गया आई गेस, उनको बंदा स्पॉट हो गया, इसीलिए ऑर्डर आगे जा रहा है। उनको बंदा स्पॉट नहीं होता तो ऑर्डर आगे ही नहीं जाता। ओए बहुत लो है, अरे स्मोक है ऑर्डर के पास। ओए लास्ट बंदा था, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया है उसमें, जो इतना ओपन में आके मार रहे हैं लोग होने के बाद भी। फाइट क्लियर करने का तरीका देगा तुम लोगों ने, अगर तुम लोग स्ट्रेटेजी वाइज देखोगे ना तो इतनी हाई एंड स्ट्रेटेजी नहीं है, जो बेसिक होता है ना ओल्ड स्कूल, कि मैं साइड से कवर दे रहा हूँ, तीनों जाके उस बंदे को पकड़ो, क्योंकि इनको पता है एक ही बंदा है तो फॉल बैक लेने का ऑप्शन ही नहीं है। डेफिनेटली लोगों ने प्रॉपर किल फीड रीड करी है और इनके इनका एक बंदा पहले मार भी दिया है, तो इनको पता होगा, तो इसलिए उस बंदे को पकड़ ही लिया। अब ऑर्डर वापस से रोटेशन करवा रहा है और मैप पे देख रहे हैं तो सेंटर में घूम रहे हैं ये लोग, बट मेरे को नहीं लगता किसी जगह पे वापस जाके रुकने वाले हैं, ये बस गाड़ी घुमाएगा जहां पे किल्स दिखे। भाई बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि स्क्रिम्स में ये लोग फाइट के लिए खेल रहे हैं, स्क्रिम्स में इन लोग को प्रॉपर लाइक अपना गन गेम इंप्रूव करना है, अपना अपनी फाइट स्ट्रेटेजीज इंप्रूव करनी है। आई डोंट थिंक सो कि ऑर्डर इसमें जोन के लिए खेल रहा है, आई डोंट थिंक सो, क्या मेरे को कंफर्म लग रहा है अभी तो, क्योंकि ऑर्डर देख रहे हो ना तुम लोग किधर किधर घूम रहा है और बस स्काउट कर रहा है इधर उधर। गाड़ी आई, अपनी गाड़ी है, ओके। वापस से रोटेशन दे रहे हैं और अभी ये लोग जोन के एज पे हैं, क्या कर रही है, बिल्कुल बाहर जा रहे हैं जोन के, जोन वोन से मतलब नहीं है भाई, इतने बड़े जोन में सिर्फ 15 बंदे हैं, 4 ये लोग, 11 बंदे बचे हैं, तो फाइट ही लेंगे अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। चिकन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे, एक भी पोजीशन पे मेरे को नहीं लगा कि ये लोग अभी तक जाके बैठे हैं, होल्ड किए हैं, जस्ट घुमा रहे हैं गाड़ियां। ये देखो ऑर्डर मनी मन में सोच रहा है कि एक बार मुझे है ना कोई बंदा दिख जाए, मैं वहीं पे फाइट ले लूंगा। ओके ओके गाड़ी दिखी, बंदा गाड़ी भी आ रही है ऊपर से। ओके भाई फाइट स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तुरंत रुक के फाइट लेना चालू। लॉन्च कर कहाँ जा रहा है, बिल्कुल आगे, एक बंदा नॉक हुआ, लॉन्च कर कोई थ्रोएबल कर रहा है, उधर से भी थ्रोएबल आया, ये तो हेड ऑन फाइट है भाई बिल्कुल, इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, नो नथिंग नो फ्लैंकिंग। ओ फ्लैंकिंग पे पैराबॉय गया हुआ है, ओके 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 भाई, लेफ्ट में देखो पैराबॉय तुम्हें दिख रहा है ऊपर हिल पे फ्लैंकिंग पोजीशन पर है, और इनका एक बंदा नॉक है बट उसको रेव नहीं दे रहे ये लोग फाइट कंप्लीट कर रहे हैं। पैराबॉय वापस आया आई गेस, नहीं आया अभी तक, 100 मीटर दूर, हाँ पैराबॉय वापस आया रैव देने। अरे यार इनका बंदा फिनिश हो गया, देखो उसको रैव भी नहीं दिया ड्रीम को, बट उसको रैव क्यों नहीं दिया, पैराबॉय बहुत पहले रैव दे सकता था उसको। ओ भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई फाइट, इसको भी मार दिया, अभी 2 लोग बचेंगे, बट यहाँ पे ये लोग बच सकते थे पता है, अगर ये रियल कोई टूर्नामेंट होता ना। अभी पैराबॉय को देखो कैसे भाग रहा है, ओ भाई वो घुस गया DBS लेके, एक नॉक
दूसरा भी नॉक, ऑल डेड भाई। पैरा बॉय देख रहे हो अब तो भाई, अगर ये कोई टूर्नामेंट होता ना, डेफिनेटली मेरे को नहीं इतना लॉन्ग स्कोर इतना आगे जाता, इतना ओवर कमिट करता, मेरे को नहीं लगता। बट एनीवेज अभी पैरा बॉय ने किस तरह से घुस के मारा भाई, अमेजिंग। अब ये दो ही बचे और इस घर पे इनको आई गेस बंदा स्पॉट हुआ है ब्राउन हाउस पे, और गाड़ी घुमा के ओके रोकी, ऊपर बंदा है उसके पास एक्सेल के आई गेस, पैरा बॉय के पास डीबीएस मॉली। अरे बंदा कितना तेज है भाई, उस बंदे ने मॉली भी कर दी। पैरा बॉय को बोला कि मैं नेड कर रहा हूँ, रुक जा। अभी आई गेस पैरा बॉय ने कॉल दिया होगा कि साथ में कुछ करते हैं, और ओए भाई यहाँ पे नेड गलत हो जाएगा ना अगर। मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। अब कितने बंदे बचे हैं? 6 बंदे, और जोन स्टिल काफी बड़ा है बट काफी दूर भी गया है। ओके तुरंत सेफ्टी के लिए वापस अंदर लाया, क्योंकि जोन में अभी 1 मिनट है, रैव देके सीधा जोन निकलेंगे। वापस जोन में जा रहे हैं, अभी 5 बंदे अलाइव है। गाड़ी सीधी कर दी, लेट्स गो टू जोन। ओके अभी स्ट्रेट जोन में जा रहे हैं। हाँ क्योंकि बंदे कम बचे हैं ना, अभी ज्यादा स्ट्रेटेजी लगा के कोई फायदा नहीं है, लेफ्ट राइट करने कोई मतलब नहीं है। बट नोवा ने जो कमबैक किया ना इस बार यार, भाई नोवा काफी हाई किल्स कर रही है, बिकॉज ऑफ ऑर्डर समझ लो, पैरा बॉय समझ लो भाई, बट वो दोनों भी बहुत अच्छा खेल है फिलहाल के लिए। तो ऑर्डर ऑर्डर वापस से फाइट के लिए जा रहे हैं, 2 बंदे बचे हैं। माइट ये अभी 2v4 भी हो सकता है, या फिर 2v2v2v हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 6 बंदे अलाइव है जिसमें से 2 ही हैं। लेट्स सी अभी किस तरह से ये फाइट में इंगेजमेंट अपनी दिखाते हैं। इनको डेफिनेटली बंदे तो पता चल गए होंगे कहाँ कहाँ पे हैं। अभी ये लोग स्प्लिट खेल रहे, पैरा बॉय बिल्कुल राइट में चला गया बिना बोले, या फिर बोला होगा पता नहीं, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है यार यहाँ पे, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। गाड़ी गाड़ियाँ निकल रही है, भाई इसने गोली नहीं चलाई, देखो अपनी पोज रिवील नहीं की, क्योंकि अभी ये 2 ही बंदे हैं ना। पैरा बॉय के पास भी जोन है और ऑर्डर भी जोन में जा सकता है आराम से राइट से घूम के। ऑर्डर राइट से जा रहा है जोन में, ओके इधर रिज है, ऑर्डर चाहे तो रिज पे रुक सकता है ना। हाँ रिज पे रुक रहा है, रिज पे रुक रहा है, बट पीछे घर पे बंदे हो सकते हैं, इसीलिए ऑर्डर ओवर कमिट नहीं करेगा यहाँ पे। जोन तो आ गया, गाड़ी पीछे ही रोक दी ताकि ज्यादा साउंड ना आए, बट फिर भी आई गेस गाड़ी का साउंड तो आ ही गया होगा आराम से सामने वालों को शायद। भाई लेफ्ट में कंपाउंड पे कोई बंदा हुआ ना, ऑर्डर तो आराम से विजिबल हो जाएगा। स्मोक कर लिया एक, ओके कंपाउंड पे जो लास्ट बंदा था वो भी उठ के आ गया अभी मेरे हिसाब से, इसीलिए ऑर्डर खड़ा होकर मार रहे, क्योंकि इनको प्रॉपर इन्फो है। बग्गी वाले एक नॉक किया, पैरा बॉय तो जीजी कर देता है बेस प्रेज वगैरह में। लेफ्ट से जोन भी आ गया, अच्छा इसीलिए ऑर्डर आ गया आ रहा है, देख रहे हो। ओए रैव देने वाले को भी मारा और नॉक वाले को भी फिनिश कर दिया। अब एक लास्ट बंदा है शेक पे, अबे जीजी बे क्या गलत मार रहे हैं लोगों को। नेड कैंसिल कर दिया बिकॉज उसको पता चल गया कि यहां से शायद ही। ओ पैरा बॉय वापस फ्लैंक करके आ गया, देखो राइट में हिल पे। भाई पैरा बॉय तो फ्री मैन खेल रहे हैं बिल्कुल अभी इसमें स्क्रिम में, तो ये बंदा तो फटेगा। ओए दिख गया जी,